खजुराहो में कटनी सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कटनी जिले के उद्योग नगरी कैमोर में प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसमें जिला अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष का ढोल धमाका आतिशबाजी करके फूल माला के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ स्थानीय विधायक संजय पाठक मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष नवाब खान ने मंच पर बीडी शर्मा और विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक का स्वागत अभिनंदन कर भाजपा के समर्पण निधि अभियान एवं अधोसंरचना के कार्यक्रम में शामिल हुए। कैमूर विजय राघवगढ़ बंजारी और अन्य क्षेत्रों से अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा समूह कार्यक्रम में शामिल हुआ। साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर नवाब खान के साथ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंच से अपने उद्बोधन में कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा का आभार व्यक्त करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित किया। क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, हमारे खजुराहो सांसद का ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और सांसद बनने के बाद प्रथम नगर आगमन था। इसको लेकर हमारे जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उनमें बहुत ही हर्ष था। हम लोग की दिली इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान पे हम भाई साहब के यहाँ पे इस्तकबालिया कार्यक्रम करें। उसी को लेकर हमारे बिजरावगढ़ विधानसभा के परही सिंगौड़ी बिजरावगढ़ कैमोर के जितने भी मंडल पदाधिकारी है, कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी आज सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर माननीय वीडी शर्मा जी का पगड़ी पहनाकर फूलों से इस्तकबाल किए। जी, आपका सरकार से क्या अपेक्षा है उद्योग नगरी कैमोर के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए? ये हमारा कैमोर जो है औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे चूना पत्थर खदान के अलावा सीमेंट सबसे बड़ा उद्योग है और हमारी सरकार से लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग रही है कि जो हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ पर अपार संभावना है उद्योग खुलने की। इसको लेकर माननीय विधायक हमारे संजय पाठक जी ने प्रयास किया और यहाँ पर एक सीमेंट का एक और प्लांट लगने जा रहा है, जिसमें हम लोग प्रयासरत है कि हमारे क्षेत्र के जो लोकल यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसके लिए हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, पिछली सरकारों से बेहतर कार्य की है। हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों के लिए छात्रवृत्ति योजना से लेकर उड़ान, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएँ चला रखी है। इसके अलावा अल्पसंख्यक की बात नहीं करती हमारी पार्टी, सर्वदल संभव की बात करती है। जो भी योजना आती है उसमें कहीं ये नहीं होता है कि अल्पसंख्यक के लिए है, ये बहुसंख्यक के लिए है। अगर आप अन्न जल योजना देख लें, जल योजना देख लें, उज्ज्वला योजना देख लें, कोई भी योजना है, या आप मेडिकल की लाइन में अगर आप देख लें, तो जो भी योजनाएँ आती है उसका सरकार सबको समान रूप से वितरित करती बिना भेदभाव के। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की ये रिपोर्ट।